कर लेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी आज मुंबई में बीजेपी और महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम कल ही महाराष्ट्र पहुंचे थे। उन्होंने कल पुणे में चुनाव प्रचार किया था, जहां चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करती है और लोगों को भ्रम में रखती है और फिर उनका शोषण करती है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं। इनके दो चेहरे हैं जो सबके सामने नहीं आते। पूछना चाहूंगा कि आपने हिमाचल के अंदर महिलाओं के साथ वायदा किया था, जब वहां पर चुनाव हो रहे थे। आपने कर्नाटक के अंदर महिलाओं के साथ वायदा किया था, जब वहां पर चुनाव हो रहे थे। आपने तेलंगाना के अंदर महिलाओं के साथ वायदा किया था, जब वहां पर चुनाव हो रहे थे। आपने आकर के हरियाणा में भी महिलाओं को सजब आग दिखाने का काम किया, क्योंकि हिमाचल हरियाणा के साथ सटा हुआ प्रदेश है। 1.5 साल से ज्यादा वहां सरकार हो गई है कांग्रेस की, परंतु झूठ बोल करके कांग्रेस ने वोट तो ले लिया, परंतु महिलाएं आज तक देख रही हैं कि ये कुछ वायदे करके गए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। लोकसभा के चुनाव के अंदर राहुल गांधी साहब, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस पवित्र संविधान की रचना की, उस पवित्र संविधान को उठा करके ये गली गली घूमा, ये गांव गांव गया, ये वार्ड वार्ड घूमा। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता भी मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा झूठ बोला और उसकी मंशा सामने आई। मंशा ये सामने आई कि अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी साहब बोलते हैं, प्रेस के अंदर बयान देते हैं कि अगर हमारी सरकार आती आरक्षण को कांग्रेस खत्म करती। ये दो चेहरे कांग्रेस के, एक तरफ इनका ये चेहरा कि मोदी संविधान को खत्म करेगा, और दूसरी तरफ ये स्वयं आरक्षण को खत्म करने की।